दोस्तों, वेज और नॉनवेज की जो डिबेट है कई सालों से चलती आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरी न्यूट्रिशन के लिए नॉनवेज फूड खाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा खाना सबसे बेस्ट है, वेज खाना चाहिए या नॉनवेज खाना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिए। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेजिटेरियन डाइट को प्लांट बेस्ड डाइट भी कहा जाता है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं जो भी प्लांट से डिराइव्ड होते हैं। एक वेजिटेरियन डाइट वो डाइट हो सकती है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ जो भी प्लांट पे उगते हैं चीजें, साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। भारत में कई तरह के वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। किस किस को हम कहते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, जो मीट नहीं खाते, फिश नहीं खाते, पर डेयरी और एग के प्रोडक्ट खाते हैं वेजिटेबल्स के साथ में। दूसरे टाइप ऑफ वेजिटेरियन है ओवो वेजिटेरियन, जो मीट नहीं खाते, फिश नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते, पर वो एग जरूर खाते हैं। फिर उसके बाद आता है लैक्टो वेजिटेरियन, जो मैक्सिमम लोग जो है इंडिया में वो लैक्टो वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन बोलते हैं, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं पर वो मीट, फिश और एग्स बिल्कुल नहीं खाते। और फोर्थ कैटेगरी आती है वीगन लोगों की, जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते, जिसमें मीट भी है, फिश भी है, एग्स भी है और डेयरी भी वो इंक्लूड नहीं करते। यहां तक कि वो हनी भी नहीं खाते, क्योंकि उसमें बीज के हाइव्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो अपनी लाइफ में कोई भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि एनिमल स्किन, लेदर के प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करते। तो यहां हम बात करेंगे कि वेजिटेरियन खाने की कुछ एडवांटेजेस की, जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। पहले कि वो इजीली च्यू किया जा सकता है, सेकंड है वो डाइजेस्ट बहुत इजीली होता है। अगर आप अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो वेजिटेरियन फूड मोर अफोर्डेबल होता है नॉन वेजिटेरियन फूड से। कुछ कुछ वेजिटेबल्स है आप उन्हें रॉ भी खा सकते हो बिना कुक किए, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होता है। और वेजिटेरियन फूड में जो फैट की मात्रा है वो बहुत ही लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट की। नॉन वेजिटेरियन फूड वो होता है वो कोई भी एनिमल से डिराइव्ड होता है, एनिमल को आपको उसके लिए मारना पड़ता है, इसके कोई भी प्लांट सोर्सेज नहीं होते। ये इंक्लूड करता है मीट, एग्स, फिश और सी फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड्स के भी कई सारे एडवांटेजेस है। पहले चीज है कि जो प्रोटीन की मात्रा है नॉन वेजिटेरियन फूड में वो बहुत ही हाई होती है। एक नॉन वेजिटेरियन फूड रिच होता है सभी ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स में, जो आपको बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मसल रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट है। नॉन वेजिटेरियन फूड रिच होता है विटामिन्स में, स्पेशली विटामिन B12, जो वेज फूड सोर्सेस में बहुत कम अवेलेबल होते हैं। कुछ तरह की फिशेस है जो वेरी हाई है कैल्शियम कंटेंट में, और एग वाइट्स बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। जो भी एनिमल स्पेशली मार के अपने शिकार को खाते हैं, उनके पास कैनाइन टीथ होते हैं। आप देख सकते हो कि जो शेर के कैनाइन टीथ है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, वो एक रॉ मीट को भी फाड़ सकते हैं। बट अगर आप इसको कंपेयर करें ह्यूमन बींग्स को, जिनको कैनाइन टीथ दिए गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और वो च्यूइंग के पर्पस में लाए जा सकते हैं। जो आदि मानव है वो पहले अपने शिकार को शिकार करके खाता रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पर आज की डेट में जो ह्यूमन बॉडी का है, बायोलॉजी का जो विकास हुआ है और जो एवोल्यूशन हुआ है, उस वजह से हमने बहुत सारे ऐसे जो फीचर्स है वो खो दिए हैं। ह्यूमन बींग्स एनिमल से बहुत सारे मामले में डिफरेंट है, जहां पे जो उनका स्ट्रक्चर ऑफ जॉ है वो डिफरेंट है, उनके टीथ का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, वो ह्यूमन बींग्स में कम है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। जो लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स से कंपेयर किया जाए, और जो नेल का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। एक स्टडी के हिसाब से जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं एनिमल्स, उनकी जो इंटेस्टाइन के अंदर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड को पचाती है, उसकी मात्रा 10 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। जब हम बात करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस की, जो वेजिटेरियन फूड है वो इंटेस्टाइन से बहुत ईजिली गुजर जाता है और नॉन वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लग सकता है। ये सब बातों से हम फिर भी कंक्लूड नहीं करते कि नॉन वेजिटेरियन खराब है या वेजिटेरियन अच्छा है। ये आपकी तरफ है डिसाइड करने के लिए कि क्या आपके लिए सही है, क्योंकि नॉर्थ पोल के कुछ ऐसे इलाके भी है जहाँ पे वेजिटेबल्स बिल्कुल ही उगाई नहीं जा सकती, और उस टाइम पे उन्हें नॉन वेजिटेरियन पे ही सर्वाइव करना पड़ता है या फिश ही उन्हें खाने मिलती है। इसलिए कोई कोई ऐसे लोकेशंस है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, जहाँ पे जो फूड है वो वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करता है, ना कि ह्यूमन बींग।
वेजिटेरियन डाइट बहुत हाई होती है फाइबर कंटेंट में, और नॉन वेजिटेरियन डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत लो है, इसलिए बहुत सारे लोगों को काफ़ी डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकती है, इंटेस्टाइनल ट्रैक के इन्फेक्शन हो सकते हैं, पाइल्स हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, हर्निया हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, डेंटल केरीज हो सकता है, गॉल स्टोन्स और कॉन्स्टिपेशन तक हो सकता है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वेजिटेरियन फूड ज़रूर लैक करती है इम्पॉर्टेंट प्रोटीन में, इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स में। अगर आप वेजिटेरियन डाइट से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप इंक्लूड कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्रेन्स को, ओट्स को, लेग्यूम्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप दाल खा सकते हो, आप बीन्स खा सकते हो, आप थोड़ी सी मात्रा में सोयाबीन को ऐड कर सकते हो, आप नट्स को ऐड कर सकते हो, सीड्स को ऐड कर सकते हो, कॉटेज चीज़ को ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके आप अपने लिए एक ऐसा डाइट प्लान बना सकते हो जो वेजिटेरियन होते हुए सारी अमीनो एसिड्स आपको प्रोवाइड कर सके। वेजिटेरियन डाइट के बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स हैं कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं वो बहुत कम हार्ट डिजीज के शिकार होते हैं, क्योंकि उसमें हाई फाइबर होता है। वेजिटेरियन डाइट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी कम होती है। एक वेजिटेरियन डाइट आपको बचाती है हाई ब्लड प्रेशर से और हाइपरटेंशन से। कुछ तरह के कैंसर जैसे कि स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं। इसके लिए फाइबर का इंटेक आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी प्लांट बेस्ड डाइट होती है वो आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचाती है। हाई फाइबर कंटेंट की वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो हमेशा ही लो रहता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की और रिलीजन की बात करें तो बहुत सारे रिलीजन की टेक्स्ट के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर भी, सिखिज्म के अंदर भी बताया जाता है कि फूड्स के 3 तरह के प्रकार होते हैं। सात्विक फूड होता है, राजसिक फूड होता है और तामसिक फूड होता है। तो नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो तामसिक कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब आप कहेंगे कि हमें इससे क्या लेना देना। अगर दोस्तों आपका जो गोल है लाइफ में वो स्पेसिफिक है, अगर आपका एक पर्टिकुलर गोल है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप ऐसा फूड कंज्यूम करें जो बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट हो। तो यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप वेजिटेरियन भी बन जाते हो और उसके बाद भी आप ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जैसे कि आप बर्गर्स है, पिज्जाज है, चीज़ से भरा हुआ फूड है, बहुत ज़्यादा हैवी है डाइजेशन के लिए, तो भी वो सही नहीं होगा। अगर आप चूज करते हैं वेजिटेरियन फूड स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल फूड होना भी जरूरी है जो आपके डाइजेशन प्रोसेस में इजी हो और आपकी ज्यादा एनर्जी डाइजेशन प्रोसेस में इंक्लूड ना हो। एक और चीज ये है कि जब भी आप किसी एनिमल को मार के उसका मांस खाते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड होती है नेगेटिव एनर्जीज। वो फियर की एनर्जीज हो सकती है, एंगर की एनर्जीज हो सकती है जो एनिमल ने फेस की थी जिस टाइम पे उसे मारा गया था, तो वो भी आपके इमोशनल स्टेट को बहुत लेवल में इफेक्ट कर सकती है। आप वेजिटेरियन फूड भी खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइफ में गोल क्या है, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्या नॉन वेजिटेरियन फूड आपको किसी तरह से हार्म कर रहा है? अगर आपको लगता है बिल्कुल नहीं तो आप कंटिन्यू रखिए। अगर वेजिटेरियन फूड के अंदर आपको कुछ चीज़ें एलिमिनेट करनी है आप वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो फूड खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं और वो आपके साथ क्या कर रहा है और क्या आप उसके रिजल्ट से ओके हो। एक और सोचने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि जो लोग अपने आप को एनिमल क्रूसेडर्स बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमें एनिमल की तरफ वॉयलेंस से बचना चाहिए, जो लोग अपने पेट्स को पालते हैं, डॉग्स को पालते हैं और वो प्यार करते हैं दूसरे लिविंग बींग्स से, एनिमल से, तो मेरे मन में उनके लिए ये सवाल है कि उनके लिए एक जानवर प्यारा हो सकता है और दूसरा जानवर खाने का उन्हें मन कर सकता है। तो अगर उनका एनिमल्स की तरफ प्यार है तो वो सबके लिए इक्वल क्यों नहीं है? आखिर में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि ना वेजिटेरियन खाने वाला बहुत महान है और ना ही नॉन वेजिटेरियन खाने वाला बहुत ही बुरा इंसान है। ये तो आपके गोल्स पे निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए यूज़फुल है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वेजिटेरियन फूड खाएं या नॉन वेजिटेरियन फूड खाएं ये आप अपने आप से पूछिए, आपका मन क्या कहता है, आपको किस फूड से फ़ायदा हो रहा है, कौन सा फूड आपके लिए हानिकारक है, ये आपसे ज़्यादा और कोई बेहतर नहीं जानता। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और देखते रहिए लाइफ को।